अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे पहले हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को देख चुके हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं, उसका वेरियंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। आपको आसानी के लिए मैं बता दूं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद एक्चुअली एक फॉर्मूला है जिसे हम बाइनोमियल फॉर्मूला भी कहते हैं। उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सीखनी है, यानी एक खास सिचुएशन में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी या बाइनोमियल फॉर्मूला एक खास सिचुएशन में अप्लाई होगा। वो सिचुएशन हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर वो सिचुएशन समझने के बाद कि किस सिचुएशन में बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई होता है, फिर बाइनोमियल फार्मूले को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस फार्मूले की एप्लीकेशन को सीखेंगे। ये बताने से पहले मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उसके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स हो, Only two possible outcomes, या तो success हो या failure हो। अगर इस तरह की situation है, आपने आपने एक student को test किया, या वो pass होगा या वो fail होगा। एक patient की doctor ने surgery की, या वो survive करेगा या वो survive नहीं करेगा। कोई भी ऐसा जैसे coin toss किया, head आएगा tail आएगा। दो teams खेल रही हैं, team A जीतेगी या team B जीतेगी, right? लेकिन अगर आप यानी दो आपने रखी ही दो options हैं, अगर कोई तीसरी ऑप्शन बीच में आ जाएगी तो फिर वो बाइनोमियल नहीं रहेगा। जैसे अगर आप टीम ए टीम बी की जीते, टीम बी जीते या टाई, आप इसको भी बीच में रख लेते तो दैट इज नॉट ए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वो है जिसमें सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स, टीम ए जीतेगी या टीम ए नहीं जीतेगी, स्टूडेंट पास होगा या स्टूडेंट पास नहीं होगा, सर्वाइव करेगा या सर्वाइव नहीं करेगा, राइट? So, ये क्लियर करने के बाद इसके इसके दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सक्सेस जिसे हम जनरली सक्सेस या फेलियर कहते हैं। सक्सेस हम जाहिर है जो जिस भी इवेंट को डिफाइन कर दें कि हमारी सक्सेस है। उसके बाद फिर कुछ और बातें कहेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में एन ट्रायल्स होंगे। एन ट्रायल से क्या बुराते हैं, देखो आप इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते रहे तो आपको याद हो हम उसमें हमेशा बात कर रहे थे कि हमने वन एलिमेंट, अगर हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करें, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एक पर्सन को सिलेक्ट करें, तो उसमें हम सिलेक्शन करते थे हमेशा वन एलिमेंट की। वन एलिमेंट की सिलेक्शन से मुराद है कि एक्सपेरिमेंट एक मरतबा, वन ट्रायल होता था। यहां पर आप एन टाइम्स सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फाइव पेशेंट्स आर सिलेक्टेड, टेन स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, एन टाइम्स, एन मीन्स मोर देन वन, n times experiment will be repeated. So इसमें जो selection होगी binomial experiment में वो हमेशा एक से ज्यादा elements की होगी। ये बात अपने अपने mind में रखिए। Selection क्या होगी, एक से ज्यादा element की होगी, right? अच्छा, फिर जो trials होंगे, जैसे point number two आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि हर एक जो trial है उसके दो possible outcomes होंगे, success या failure, वो ये situation होगी। और तीसरा जो प्रोबेबिलिटी है जो है वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगी। जैसे आप पेशेंट की सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फाइव पेशेंट सेलेक्ट किए हैं, तो पहले पेशेंट की भी प्रोबेबिलिटी सपोज सक्सेस के चांसेस 30% थे, तो दूसरे के भी 30 होंगे, तीसरे के भी 30 होंगे, 40 के भी, यानी ये प्रोबेबिलिटी ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगी, राइट? इसको दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि जो ट्रायल्स है ना वो इंडिपेंडेंट होंगे। आपको याद हो तो मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स समझाए थे, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मैंने आपको विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर आप एक एलिमेंट चूज करते हैं और उसको अगर वापस रिप्लेस कर देते हैं अगला एलिमेंट सेलेक्ट करने से पहले, तो ये विद रिप्लेसमेंट है। तो इसको हम इंडिपेंडेंट ट्रायल भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, और अगर उसको वापस नहीं रखते तो ये डिपेंडेंट ट्रायल है और इसमें प्रोबेबिलिटी इफेक्ट होती है, इसे विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। सो ट्रायल्स क्या होंगे, इसमें विद रिप्लेसमेंट होंगे यानी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, चले आए मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस से गो थ्रू करवाता हूं फॉर्मूला बताने के बाद,
और फिर उन सिचुएशन से आपको जरा अंदाजा हो जाएगा, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है और इस तरह की सिचुएशन होती है, ये अंडरस्टैंडिंग है। पहले उससे पहले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक बार तो फिर मैं आपको वही चीजें ब्रीफ सी कर देता हूँ कि जनाब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वाइडली यूज्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज अप्लाइड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आउटकम विल अकर एक्स टाइम्स इन द एन परफॉर्मेंसेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और इसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, राइट। यानी यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसका मतलब ये है कि आप अगर एन पेशेंट, जैसे मैंने कहा 5 पेशेंट्स या 5 स्टूडेंट्स या 5 ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करते हैं, तो उनमें से आप कहेंगे जी 3 ऑब्जेक्ट्स 3 पेशेंट सरवाइव करें, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें ना, जनाब हमने मोबाइल कंपनी के 10 मोबाइल फोन्स को सिलेक्ट किया है, इनमें से 3 मोबाइल फोन जो है ना ये फॉल्टी निकले, राइट। तो उनमें से खास नंबर पूछ सकते हैं ना कि 3 फॉल्टी निकले, 4 निकले, 5 निकले, राइट। वो एक्स उससे मुराद है यहाँ पर कि कितने आपसे पूछा जाते हैं। तो ये मैं आपको आगे सिचुएशन में एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स में, उससे पहले फॉर्मूला देख लें। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला होगा जी एन सी एक्स, कंबिनेशन है एन सी एक्स, कैलकुलेटर में इसका फॉर्मूला मौजूद होता है एन सी एक्स, वो मैं आपको कैलकुलेटर में से आप देख सकते हैं इसे, पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, और एन सी एक्स का फॉर्मूला भी होता है, बहरहाल हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, पी पावर एक्स और क्यू पावर एन माइनस एक्स। इसमें एन जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स है, जैसे मैंने आपको कहा एन टाइम्स ट्रायल होंगे या एन सिलेक्शन होगी, ये जो फॉर्मूले में एन वो चीज होगी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, ये भी आपको गिवन होगी, याद रखें क्वेश्चन में एन और पी आपको लाजमन दिए गए होंगे। P अगर दिया गया होगा तो आप Q फाइंड आउट कर सकते हैं उसे 1 माइनस P करके, और X की भी बात हो रही थी आपसे कि वो अगर N सिलेक्शंस करेगा तो उनमें से वो एक खास नंबर आपसे पूछेगा कि इतनी सक्सेसेस हो N ट्रायल्स में से या इतनी सक्सेसेस ना हो N ट्रायल में से, वो आपका X होगा, ये भी आपको क्वेश्चन में से मिलेगा, और N माइनस X आपको, चूंकि N भी गिवन X भी, तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें क्वेश्चन में से मिलेंगी। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद के बाइनोमियल का क्वेश्चन है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो इस फॉर्मूले के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो भी हम क्वेश्चन में से निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको अब आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से बाइनोमियल सिचुएशन और फिर ये किस तरह से हम इसके पैरामीटर्स फाइंड आउट ले सकते हैं, यानी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और ये क्वेश्चन में से देख सकते हैं। तो जो पहली एग्जाम्पल है वो है जी 5 पीपल। अच्छा, अब आप जो जो आपने गौर रखना है ना वो दो चीजें रखनी, नंबर 1 एन ट्रायल्स, यानी सिलेक्शन जो होगी वो एक एलिमेंट की नहीं होगी, एक से ज्यादा की होगी, एक्सपेरिमेंट एक मरतबा रिपीट नहीं हो रहा होगा, एक से ज्यादा मरतबा हो रहा होगा, ये दो बात, एक एन और एक इसके साथ आपको एक खास प्रोबेबिलिटी दी गई होगी किसी भी चीज से रिलेटेड, वो आपने पूरी ढूंढने की कोशिश करनी। तो चले इसे रीड आउट करते हैं। 5% of all DVD players manufactured by a large electronic company are defective. कितने परसेंट डिफेक्टिव है? 5% डिफेक्टिव है। ये आपको ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दे दी है किसी चीज से मुतल्लिक। किस चीज के मुतल्लिक? डिफेक्टिव के मुतल्लिक। ये एक प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी और ये मोस्टली परसेंटेज में होती है या पॉइंट्स में दी होगी फिर। अच्छा, एक इस तरह की प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको, उसे आपने नोट कर लेना। अच्छा, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? यहां पर ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है। 5% of all DVD players manufactured by a large electronic company are defective. Okay. अब दूसरी चीज़ ज़हन में रखें, end trials या selection जो बात हो रही थी। A quality control inspector randomly selects 3 DVD players. कितनी players? कितने DVD players थे किए? 3. मैंने आपको बताया था हमेशा एक से ज़्यादा होंगे। N trials या N selections. 3 DVD players. Small n हो गया इस question में. 3. From the production line, what is the probability that exactly one of these 3 DVD players is defective? N हो गया 3, इस क्वेश्चन में नोट करें, इस क्वेश्चन में जो N हो गया 3, small n is equal to 3. P जो आपको defective की probability दी हुई है 0.05, 5% है ना, 5% का मतलब होता है 0.05, और उसके साथ साथ अब उसने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितने डिफेक्टिव, 3 में से कितने डिफेक्टिव है,
दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीज थ्री, यानी एक तो ये आपका एक्स होगा, जितने उसने पूछे हैं कि इतने हो जाएं, दैट विल बी योर एक्स। तो आपने किसी भी क्वेश्चन में से एन पी और एक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जब आप एन पी और एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे तो पी से क्यू आ जाएगा। क्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि क्यू क्या होता है, वन माइनस पी, इस क्वेश्चन में वन माइनस 0.05 यानी 0.95 बन रहा है। अब मैं इसे बाइनोमियल के फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं और अपना आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे, पहले हम जरा क्वेश्चंस को फर्दर एक आध एग्जांपल को देखने देख लें ताकि हमें थोड़ी सी मजीद अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें, एट द एक्सप्रेस हाउस डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विस टू कस्टमर्स इन इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द मैनेजमेंट। द कंपनी गारंटीज अ रिफंड ऑफ ऑल चार्जेस इफ अ पैकेज इट इज डिलीवरिंग डज नॉट अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन बाय द स्पेसिफाइड टाइम। इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट डेटा दैट डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स 2% of the packages mailed through this company do not arrive at their destination within the specified time. Any 2% aise hain packages, aapko jo bhi cheez question mein percentage mein ya point mein nazar aaye na, numbers mein percentage mein, fauran use note kare ki ye yakeenan probability ho sakti hai, right? To ye aapko click ho jana chahiye. To 2% of the packages wo kehte hain aise hain jo company sari efforts karne ke bawajood bhi late deliver ho jate hain, 2% aise hain. So 2% is the probability that the delivery will be late. Suppose a corporation mailed 10 packages through the express house delivery. Kitne packages bheje hain corporation ne? 10. Small n is 10. Is question mein small n 10 ho gaya, p 0.02 ho gaya late delivery. Ab aage dekhen, find the probability that one of the 10 packages will not arrive at its destination within this. What is x? Kitne puche? 10, small n 10 ho gaya, p 0.02 ho gaya, aur x kitne puche? Exactly 1. To aapka 1 jo hai ye aapka x ho gaya. Exactly 3 pucha jata to x kya ho jata? 3 ho jata. Less than 3 pucha jata तो x क्या हो जाता? लेस देन 3 का मतलब है 0, 1 एंड 2. फिर आप 0 की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करते, 1 की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करते, 2 की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करते और फिर इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को प्लस करते तो ये आता लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है? और अब फिर अगर आपको कहा जाता ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 से क्या मुराद है? 9, 10, क्योंकि टोटल 10 है ना, 10 से ऊपर नहीं जा सकते, 9, 10, फिर आपका x हो जाता 9, 10. तो फिर 9 की प्रोबेबिलिटी निकालते, 10 की प्रोबेबिलिटी निकालते और उनको प्लस करते थे। तो यहां से आपको x देखना है, ये आपको बहरहाल एक्सरसाइज में भी इस तरह की चीजें मैं दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन अ रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल सर्वे ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स 35% ऑफ द एग्जीक्यूटिव सेड दैट गुड एम्प्लॉइज लीव कंपनीज बिकॉज दे आर अनहैप्पी विद द मैनेजमेंट। कितने कंपनी छोड़ जाते? फिर वही बात, जो चीज परसेंटेज में नजर आ रही है, जो चीज पॉइंट्स में नजर आ रही है, 35% ऑफ द एग्जीक्यूटिव सेट के अच्छे एम्प्लॉयज जो है ना वो कंपनी छोड़ जाते हैं। इसका मतलब द एम्प्लॉयज प्रोबेबिलिटी दैट अ गुड एम्प्लॉय विल लीव द कंपनी इज इक्वल टू 30%, 0.35, राइट? सो इसे मैं अगेन इसे भी नोट करना शुरू करता हूँ, पी इज इक्वल टू 35% 0.35, दैट इज पी। यहाँ पर नोट रखें आप, पी है क्या कि कंपनी छोड़ जाते हैं। Assume this result holds true for a current population of the senior executive. Let X denotes the numbers in a random sample of the senior executives who hold this opinion. Find the probability that exactly 2 executives hold the opinion. Exactly 2. Assume that this result holds true for the current population of the senior executives. Let X denotes the number in the random sample of 3 senior executives. Okay. 3 senior executives आपके select हुए, तो small n is equal to 3. जितने executives उसमें हैं, that is 3. तो probability क्या पूछी गई है? Exactly 2 executive hold the opinion. So your X is exactly 2. Right? फिर वही बात है,
यहां पर तो टू पूछा हुआ, वन भी पूछा जा सकता है, लेस देन टू पूछा जा सकता है. लेस देन टू से क्या मुराद होगी? जीरो और वन, राइट. ग्रेटर देन टू पूछा जा सकता है, ग्रेटर देन टू में क्या आएगा? सिर्फ थ्री, क्योंकि थ्री सिलेक्ट हुए. एटलीस्ट वन पूछा जा सकता है, एटलीस्ट वन से क्या मुराद होती है? मैंने आगे भी आपको बताया है, एटलीस्ट जिस वर्ड के साथ हो वो वर्ड और उससे ऊपर वाले. एटलीस्ट वन से मुराद है वन एंड अबव. एटमोस्ट वन से मुराद है वन एंड बिलो. याद रखें बिलो में जीरो तक आना है आपने, वन एंड जीरो, राइट. एनी हाउ इसकी प्रैक्टिस आगे आ जाएगी. तो यहां से मैं समझाने की कोशिश ही आपको कर रहा था अभी तक कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनमें आपको बाइनोमियल के एक्सपेरिमेंट यानी बाइनोमियल की सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उससे आपने एन और पी और एक्स कैसे लेने हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे. सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट. देखिए इसी क्वेश्चन में जहां हमारे पास n 3 है, p 0.35 है, q 1 माइनस पी जैसे आपको बताया तो इट विल बिकम 0.65. सो नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला p ऑफ x इज इक्वल टू n c x p पावर x q पावर n माइनस x. x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. x is equal to 2, n की जगह आप इस फॉर्मूले में 3 लगा दें, 3c2, x की जगह 2, ये देखें ncx है ना, जहां n है वहां n लगा दिया, जहां x है वहां x लगा दिया, p की जगह p की वैल्यू पुट की, p की पावर x है, x 3 है, सॉरी x 2 है, x की जगह 2 पुट किया, q की जगह 0.65 पुट किया, n माइनस x किया तो 1 बचा, यानी 3 माइनस 2 किया तो 1 आया. 3c2 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, 3c2 को 3 आ गया, 0.35 की पावर 2 ले कैलकुलेटर से 0.1225 आया, 0.65 की पावर 1 ली तो जाहिर है 0.65 आएगा, मल्टीप्लाई किया तो 0.2389 आंसर आया. यानी जितनी एग्जांपल्स मैंने आपको पीछे बताई हैं उन सारी एग्जांपल्स में अगर आपके पास n है, आपके पास p है और आपके पास x है तो आप p से q फाइंड आउट कर लेते हैं और बाकी तमाम चीजें आप फार्मूला में पुट करते हैं और इस फार्मूले को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं. आई सजेस्ट कि इस सेगमेंट में भी मैंने जो एग्जांपल्स आपसे डिस्कस की हैं आप उन एग्जांपल्स को जरूर सॉल्व करें पहले तो, और उसके बाद जो आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा उनको भी आप सॉल्व करें. थैंक यू.